जी, मेरा सवाल ये है कि मैं अभी 7 साल हुआ है जमात में जी आके, जी एल एडिस होके 7 साल हुआ, मेरी शादी होके 11 साल हो गया। तो अब जी मेरी अहलिया, मेरे ससुराल वाले क्या है, मेरे को बहुत परेशान कर रही है ये मामलात में, जी और क्या है मेरे बच्चों को भी भड़काने की कोशिश कर रही। और मेरे बच्ची एक है 11 साल की है, 4 बच्चे हैं मेरे को, एक जी 3 महीने का, एक 6 महीने का बच्चा है, 3 बेटियां हैं। तो अब मैं जी लोगों का यकीदे के मामले में उनकी सुधार करने जा रहा हूँ, तो अब मेरी अहलिया थोड़ा अपने हिसाब से कुछ शरायत गलत बता रहे हैं, वो दरगाह परस्त जी है खासतौर पे हमारे ससुराल वाले। जी, जी सवाल जी शेख उसके लिए मेरा हुक्म क्या है, तो मेरे लिए क्या जी आसानी है कि मैं उसके लिए कैसा उनको इसलाह कर सकता हूँ। अब तक तो 7 साल से मैं लगा वाजे हुआ है, ही हूँ, वाजे और हामिद फिर है बीच जी शेख बीच में लेकर जाके 6-7 महीने 6-7 महीने बिठा ले रहे हैं घर में। तो मेरे लिए क्या हुक्म है, अगर मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, आगे मेरे लिए प्रोसीजर क्या होगा इसका? देखिए, जो मियाँ बीवी के मसाइल होते हैं आम तौर से जब तक वो सामने से बात ना हो, जाहिर है किसी को तौहीद की दावत देना जैसे किसी आम आदमी को तौहीद की दावत देना है, वैसे बीवी को भी देना है। और ये आप बेहतर समझ सकते हैं कि अपनी बीवी को कैसे समझाना है, उसको अच्छे अंदाज में, अच्छे उसलूब में प्यार से उसे समझाएं। आप उसको अकीदे तौहीद के बारे में बताएं, और आप जो है शिर्क करने से क्या क्या परेशानियां होंगी उसको वो बताएं। अगर मुमकिन हो तो जो है जो बहुत सारे उलमा के वीडियोस वगैरह हैं आप वो दिखाएं। जो भी दावत का अच्छा उसलूब होता है उस उसलूब के साथ आप उसको समझाएं। लेकिन ये आप याद रखें कि कभी भी महज इस वजह से कि मुझे अपनी शादी बचानी है, अपना घर बचाना है, इसलिए मैं शिर्क करने लगूं, इसमें कभी मत पड़िएगा। जी तौहीद सबसे मुकद्दम है, बच्चों से भी, बीवी से भी, घर से भी, हर चीज से, हर चीज पर मुकद्दम है तौहीद। तो आप अपनी बीवी को समझाने की कोशिश कीजिए अच्छे अंदाज में, और अल्लाह ताला से दुआ भी कीजिए कि अल्लाह ताला उसे हिदायत दे। लेकिन कभी आप उसकी इताअत में जो है शिर्क में मत पड़ जाइएगा, बिल्कुल नहीं। बाकी उसके बाद अगर आप शरई हुक्म पूछते हैं कि मुझे ऐसी बीवी के साथ क्या करना चाहिए, अगर समझाने बुझाने हर तरह की कोशिश करने के बाद भी नहीं मान रही है, तो जाहिर है शरीयत ने आपको इख्तियार दिया है कि जो बीवी शिर्क करती है, बिदात करती है, और जिसके दीन में इस तरह से कमी पाई जा रही है, आपको इख्तियार है, आप चाहें तो उससे अलग हो सकते हैं। जी लेकिन मैं पहला ऑप्शन आप इसी को मत बनाइए, पहला ऑप्शन उसको समझाना बुझाना और राह रास्त पर लाने की आप कोशिश कीजिए। जब कोई रास्ता आपके पास ना बचे फिर इस तरह का कोई कदम उठाने के बारे में सोचिए। जी शेख, मैं मेरी बीवी को मैं ये सब चीज समझा रहा हूँ, मगर मैं क्या कह रहा हूँ उसे, चलिए मस्जिद को चलिए, नमाज पढ़िए, उलमा की सोबत में बैठिए। मेरे बच्चों को भी लेके जाने की कोशिश करता तो वो कहती है कि हमारे मसलक में नहीं है नमाज को जाना, मस्जिद को जाना, क्योंकि उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मना कर देखिए दिया। देखिए देखिए हामिद भाई, जी फकत उसका मस्जिद ना जाना ये ऐसी बड़ी बात नहीं है जिसकी वजह से आप कोई इख्तलाफ और झगड़ा करें उसके साथ। मैंने मस्जिद वो मोहब्बत नहीं से कहता जा, हूँ शेर। सुनिए सुनिए, जी उसका जी मस्जिद ना जाना ही सिर्फ अगर मसला है तब ये कोई मसला नहीं है। मस्जिद नहीं, जाना मस्जिद औरत का के ही ऊपर नहीं है वाजिब वो थोड़ी है। अगर एक ही वो मसला कब्र पर नहीं है। जाती है, कब्र पर जाती है, शिर्क करती है, बिदात करती है, ये सब मसला है। मस्जिद ना जाना कोई मसला नहीं है, उसकी जी मर्जी, जाना चाहे तो जाए, बल्कि औरत के लिए तो अफजल ये है कि घर में नमाज पढ़े। जी जाना हाँ जायज है लेकिन घर में नमाज पढ़ना अफजल है। जी हम जैसे कि मैंने रबी अव्वल के दिन उसे कहा था कि रबी अव्वल ये मनाना ये बिदात है, शिर्क है, अल्लाह के रसूल हर पीर के दिन रोजा रखते थे, चलो अपन मिलके रहेंगे रोजा, दोनों भी हर पीर को मनाएंगे। वे तो वो कहती जी है नहीं, हर पीर को तो मुनासिब नहीं है, इसलिए एक दिन हम मुकद्दर करके उसके लिए कर लेते हैं। हम हमारे पीढ़ी ना पीढ़ी से चलते आ रहे, पीढ़ी ना पीढ़ी से चलते आ रहा, मेरे वालिदैन भी वही शिरक और बिदात के थे, मैं घर छोड़ दिया, बच्चों को बीवी को लेकर अलग हो गया। अब मेरी बीवी की इसलाह करने के लिए मैं मुमकिन थी कोशिश पूरी कर लिया, अब क्या है, अब जी हिदायत देना नहीं, तो अल्लाह का काम है, मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप इतनी जल्दी आप हार मत मानिए, आप कोशिश नहीं करते नहीं नहीं रहिए। मानो शेख, फिर भी आपसे इसलाह लेने हाँ के लिए मैं कॉल करा जी आपको, अल्लाह बिल्कुल, मेरे साथ है मैं इंशाल्लाह, मेरा बगैर मशवरा आपको यही मेरे तो मैं होगा सही हूँ। कि मेरा मशवरा यही होगा कि आप कोशिश करते रहिए, और देखिए अगर आपने उसको छोड़ दिया तो अपने बिदात और शिरकिया अमाल पर वो बाकी रह जाएगी, पूरी जिंदगी उसकी जी, उसी वो पे भी गुजर मेरे लिए जाएगी। एक लेकिन सोच अगर, है, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप दावत देते रहे तो हो सकता है किसी दिन उसके समझ में बात आ जाए। बाकी जो शरई मसला है शौहर को इख्तियार होने का, तो शरीयत ने उसे इख्तियार दिया है कि बीवी अगर शिर्क कर रही है तो उसे इख्तियार है शौहर को।